नमो भगवते वासुदेवाय। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा चचत प्रणाम। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ मैं। आपको याद है कि जब हमने मोबाइल का लास्ट नंबर बताया था, उसके बाद जितनी मोबाइल न्यूमरोलॉजी दुनिया में चल रही है, सबको ये मानना पड़ा कि मोबाइल का लास्ट डिजिट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसी के कारण उसके लाइव को लगभग 5 लाख व्यूज़ हो चुके हैं। फिर मैंने सोचा कि और इसको अपडेट करें, तो मैंने फिर लास्ट के 4 नंबर का आपको महत्व बताया कि वो कैसे होना चाहिए। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मैं जब किसी को मोबाइल नंबर देता हूँ तो मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि सर, ये आपने मोबाइल नंबर तो जो दे रहे हो वो सब बराबर है, लेकिन हमको जो है आपको और हमको डेप्थ में सीखना है कि ये मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट तो समझ गए, लेकिन हमको अभी तक हम VIP नंबर के चक्कर में 00 नंबर बहुत बार लेते हैं, तो वो सही है या गलत है। तो आज मैं उस राज पे से पर्दा उठा रहा हूँ कि 0 का महत्व क्या होता है। उसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस है मेरी तरफ से, वो मैं दे देता हूँ। जितने लोग लाइव है उन सबको उनके नंबर के बारे में भी बात करूँगा मैं। तो सबसे पहले जो भी रॉयल इलाइट, देन वैदही, शान, काराबीर सिंह, यशोदा, दरमिया, ये सब लोगों को बहुत बहुत मेरा सादर प्रणाम। तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, वो ध्यान से सुन लो। हमने क्या किया है कि हमने हमारी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है। लास्ट वीक में ऐसे ही मेरी इच्छा हो गई तो मैंने वो बनाई है। तो उसमें क्या किया हमने कि उस कम्युनिटी में जो है, मैं जब भी लाइव आता हूँ तो उस समय के मैंने कह कि ये रही उस कम्युनिटी की पिक्चर। जब भी मैं लाइव आता हूँ तो उस समय जो है हमने वो उसमें नोटिफिकेशन में डाल देता हूँ कि मैं अभी लाइव आ रहा हूँ। उसका दूसरा पर्पज़ ये रहेगा कि जब भी मुझे, अभी समझो हनुमान जयंती आ रही है 23 तारीख को, तो मुझे कुछ याद आता है कि हनुमान जयंती के दिन क्या करना चाहिए, व्हाट आर द लकी रेमेडीज़ जिससे आपके जीवन का भला हो, तो मैं उस ग्रुप पे वो डाल दिया करूँगा व्हाट्सएप कम्युनिटी के। तो ये उसका स्कैन कोड है, आप स्कैन करके डायरेक्ट उस कम्युनिटी से जुड़ सकते हो। और सारे मेरे वीडियोस या कुछ बीच में कंसल्टेंसी रेट में कुछ ऑफ़र आ गई वगैरह, वो भी उसमें डाले जाएंगे। उसमें कोई आपको कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, कोई मार्केटिंग कॉल नहीं आएगा, वो मैं करने वाला नहीं हूँ। मुझे आप सभी के आशीर्वाद से उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए तो विषय पे आते हैं कि आपके मोबाइल नंबर का महत्व क्या है। ठीक है, जनरली किसी का भी मोबाइल नंबर बना के देने के लिए मैं 6,000 रुपये चार्ज करता हूँ सिर्फ मोबाइल नंबर। और अभी तक हमारे क्लाइंट लिस्ट में कम से कम एक 40 ऐसे लोग हैं जो काफ़ी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं। कोई MPs है, MLAs है, कोई एक्स मिनिस्टर है, कुछ IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर है, और बिजनेस हाउसेस में बॉलीवुड से लेकर बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर, किन लोगों का बहुत बड़ा सेल का काम होता है, उनको भी नंबर्स दिए है। और इंडिविजुअल की बात करूँ तो जब मैंने वीडियो बनाया उसके बाद से अभी तक 4,000 लोगों को मैंने नंबर दिए हैं। और आप मेरे पे विश्वास रखिए कि ये नंबर काम करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कोई किताब से नहीं, 20,000 लोगों के रिसर्च से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी समझ के लीजिए कि हमने, अच्छा इस वीडियो पे अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको लगता है कि वर्थ है। आज लूशो ग्रिड का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, नंबर 5 पे। आपने बाकी 2 देखे हुए या नहीं वो बताएं, और फिर आपके नंबर आप में बोलने के बाद डालना स्टार्ट कीजिए। देखिए, मैंने इसके पहले भी जो चीज़ें बताई थी वो समराइज कर रहा हूँ। जैसे मैं मेरा ही नंबर लिखता हूँ, 9158096524। ठीक है, ये नंबर बहुत पुराना है इसलिए मैंने इसको बदला नहीं है। इसमें बायलक मोबाइल न्यूमरोलॉजी की कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आ गई इस नंबर में, तो मैंने जो इसके पहले आपको सिखाया वो चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ। जब भी मोबाइल नंबर देखना होता है
बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि ऐसे आप कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, ये ऐसे, फिर इसके नौ कॉम्बिनेशन बनते हैं, इससे ये बीमारियां होती है, वो होती है। आप अगर वो कॉम्बिनेशन निकाल के मोबाइल नंबर लेने जाओगे तो ज़िंदगी में आपको मोबाइल नंबर मिल ही नहीं सकता। मिल जाए तो मेरी शर्त, क्योंकि मोबाइल थोड़ी आज निकला है, वो नंबर ऑलरेडी अलॉटेड होता है, ठीक है। फिर ये तो हमको पूरे के पूरे 10 डिजिट देखने नहीं है, ये पहला मुद्दा मैंने आपको बता दिया है। फिर आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको इन 10 डिजिट के मोबाइल की टोटल करके रखनी है। मैं मेरे विषय पे आऊँगा, सबसे IMP विषय, लेकिन जो लोग पहले के वीडियो नहीं देख पाए या इनको अगर बेसिक नहीं पता या आपको भी बेसिक रिवाइज करा रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि आपके इस मोबाइल के पूरे 10 डिजिट की आपने टोटल ले ली। टोटल हमने की जैसे यहाँ पे 9+1। अभी मेरे कुछ भाई साहब लोग हो सकते हैं कि ये टाइम पास कर रहा है, तो मैं उनकी माफ़ी चाहता हूँ, आपका समय बर्बाद हो रहा है तो आप जा सकते हो, ठीक है। 9 1 5 8 0 9 6 5 2 4, मैंने इसकी टोटल कर ली। तो पहली स्टेप क्या होती है कि आपका जो भी मोबाइल नंबर, आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहते होंगे, बहुत से कंट्रीज़ में तो ये अलाउड भी नहीं होता, पहले 5 डिजिट आपके हाथ में नहीं है। इंडिया में बहुत सारी कंपनी और बहुत सारी पॉपुलेशन है, इसलिए अलाउड है। तो 10 15 23 23 और 9 32 38 43 45 49, 9 और 4 4 2 6 6 5, 6 5 11 6 17 9 26, 26 और 8 34, 34 और 5 39 40, इसकी 49 आ रही है। तो ये 4 और 9 से बना 4, ठीक है। तो ये मेरे मोबाइल नंबर की टोटल है। ऐसे आप सभी को आपके मोबाइल नंबर की टोटल कर लेना है, ठीक है। तो वो जो मोबाइल नंबर की आपकी टोटल आती है, वो टोटल आपके BN यानी बर्थ नंबर और आपके बर्थ नंबर की टोटल, जिसको भाग्यांक कहते हैं, उससे फ्रेंडली होनी चाहिए। मेरे केस में वो फ्रेंडली है, इसलिए नंबर मुझे सूट हो गया। जनरली 4 नंबर की टोटल किसी को हम लोग नहीं सजेस्ट करते हैं। अब ये मुद्दा ख़त्म हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, दुनिया में जो सबसे छोटा आइलैंड है जहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 4,000 है, गूगल करके देखते हैं वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आइलैंड देखते हो, तो जहाँ पे 4,000 या 700 ही है और वहाँ के जो मोबाइल के डिजिट है वो मैक मिनिमम मोबाइल नंबर जो वर्ल्ड में चलता है वो सिर्फ 4 डिजिट का है। कितना है? 4 डिजिट। तो मेरे हिसाब से आपके मोबाइल नंबर में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं ये लास्ट के 4 डिजिट। ये लास्ट के 4 डिजिट सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो आपने माना भी है और आपने एक्सेप्ट भी किया है। अभी मेरे इस केस में भैया लास्ट के 4 डिजिट है 6524, ठीक है। मैंने इसके पहले के भी वीडियो में आपको बताया, क्योंकि आज का जो 0 का वीडियो है वो इससे ही कनेक्टेड है। ध्यान से देखिए, ये नंबर के लोग आपके कॉलर है, आपका कॉलर कैसे रहेगा? आप कभी मेरे मोबाइल पे फ़ोन लगाना, जितने पूर्ति उतनी बात होती है, या मुझे जो कॉल करता है वो मतलब से जितता है उतना ही। गप्पा मान मीन्स टाइम पास करना, आप उस पर ये अलाउड ही नहीं है। फिर ये नंबर जो है आपके इमोशन के बारे में बताता है, ये मेरे इमोशन के बारे में बताता है, और ये मैं कैसा हूँ वो बताता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले प्रूव किया था। अब मैं आता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज पे, क्या है भैया इसका महत्व। अभी ध्यान से सुनो सब लोग, ऐसा वीडियो YouTube पे नहीं है, किसी ने भी नहीं बताया कि 0 का महत्व मोबाइल नंबर में क्या है। ध्यान से सुनना, 0 ही निकाला है ना। चलो मैं आपको 0 का ग्राफोलॉजी से भी महत्व बताता हूँ, सिग्नेचर में भी महत्व बताता हूँ और नंबर में भी बताता हूँ। अच्छा ये थोड़ा 0 ओके वैसा आ गया, अच्छा 0 निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये बढ़िया वाला 0 निकाल दिया अपन ने, ये अच्छा वाला शेप है। आपको पता है किसी इंसान का स्वभाव, मैं मोबाइल पे बोलूँगा, अब वो ज़्यादा नॉलेज का कभी कभी डिसएडवांटेज होता है। किसी भी व्यक्ति को आप बोलना कि तू पेन से 0 निकाल के दे, जिसका भी 0 परफेक्ट शेप में आता है ना, एक तो उसकी तबीयत बहुत अच्छी होती है, बोल तो हेल्थ वाइज ही इज़ गुड, और सेकंड थिंग ये होता है कि वो स्वभाव से बहुत अच्छा सरल इंसान होता है, जिनका 0 बहुत अच्छा आता है, उनके घर की वास्तु भी काम करते हैं। पर जिनके 0 बहुत टेढ़े मेढ़े आते हैं, तो याद रखना है कि 0 इम्पैक्ट देते हैं जीवन में। चलो ये ग्राफोलॉजी छोड़ दो। अभी ये जो 0 नंबर है आपके मोबाइल में,
आप मुझे बताओ, जीरो किसका नंबर है? ब्रह्मांड का नंबर है। जीरो किसका नंबर है? पृथ्वी का नंबर है। जीरो और एक से हमारी उत्पत्ति हुई, जैसे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सब जीरो और वन की बात करते हैं। तो जीरो मोबाइल नंबर में होना सही है या गलत है, उस बात पे मैं अभी आपको बात करने वाला हूँ। समझ के लीजिए, आप लोग मुझे अभी कमेंट बॉक्स में डालिए। आप लोगों ने कभी पुलिस के 100 नंबर को फ़ोन किया है? आप में से कितने लोगों ने किया है बताओ। 100 को फ़ोन किया है क्या? 100 नंबर को आप में से कितने लोगों ने फ़ोन किया है, और फ़ोन करने के बाद आपका अनुभव कैसे था? उसमें काम हुआ आपका, नहीं हुआ, या होने में बहुत देर लगी, मुझे बताओ। पुलिस का 100 नंबर महाराष्ट्र में तो है, या आपसे बहुत सारी डिटेल पूछी गई और उसके बाद एक्शन होते होते समय निकल गया? बताओ मुझे, 100 नंबर जो होता है पुलिस का, आपके साथ क्या हुआ बताइए। किया है तो हुआ क्या? इस पर कॉल करने के बाद हुआ क्या? बहुत अच्छा अनुभव था क्या आपका? एकदम बढ़िया, वाव, एक मिनट में काम हो गया, सब खत्म हो गया, बहुत अच्छा, सामने से कुछ देखो। पहले डाला है राजेश जी ने, नो रिप्लाई, ओके। फिर आया, कुछ हुआ, फिर क्या बोल रहे हैं, चलो यस काम हुआ, चलो बताइए और बताइए। काम होने में देर लगी क्या? टाइम ज़्यादा लगता है पर काम होता है, ओके। काम नहीं हुआ, काम का नहीं, ओके, ठीक है, राइट। ये देर लगी है, राइट, देर लगी है, राइट। तो बेटा, तो आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि जीरो नंबर जो है ना, इसका अच्छा एंड रिजल्ट क्या हुआ? आपको एकदम भारी फील हुआ, सब कुछ वाओ, मेरा बहुत बड़ा काम हो गया? नहीं हुआ। जीरो जब भी एंड में होता है, सारा काम धरा का धरा रह जाता है। जीरो मोबाइल के एंड में नहीं होना चाहिए। जैसे जीरो का महत्व शून्य है, वैसे जीवन में आपके साथ जितने भी आउटपुट निकलेंगे जीरो के, वो जीरो के वैसे ही निकलेंगे। जीरो मोबाइल में कम से कम बार आना चाहिए, एक बार दो बार मैक्स चलेगा, उससे ज़्यादा जीरो नहीं आना चाहिए। और लास्ट के चार डिजिट में तो जीरो आना पाप है, मोबाइल में जीरो आना ही नहीं चाहिए। जैसे अभी कोई भाई साहब डालिए मुझे, जैसे सविता जैन के नंबर में 6103 है एंड के चार डिजिट में, इनको सामने वाला जो कॉल करता है उनसे ये कनेक्ट ही नहीं हो पाते। सविता जी, सविता जी बोलिए, उसकी इमोशन अलग चलते रहती है, आपकी अलग चलती रहती है, मानसिक तौर पे आप उस इंसान को नहीं समझ पाते, ऐसे होता या नहीं? यहाँ पे और एक व्यक्ति है, सिक्योर्ड, सॉरी क्या नाम जो भी डाला है, सीक्रेट ये डाला है, 1095। अगर आपके लास्ट के चार डिजिट में जीरो है, इनका सेकंड प्लेस पे है, तो इनसे लोग इमोशनली इमिजिएटली कनेक्ट नहीं हो पाते, रिजल्ट जीरो हो सकता है। और बोलिए कोई भी व्यक्ति, जैसे वैदेही लास्ट मध्य जीरो है, फोन से उतने कॉल्स नहीं आते या जो रिजल्ट है आउटपुट नहीं मिलता, तो लास्ट में मोबाइल के जीरो होना ही नहीं चाहिए लास्ट नंबर में, ठीक है। ममता देवी सेम, लोग आपसे कनेक्शन, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस, हाँ। अगर आप जीरो बहुत बार मोबाइल में डालते हो तो आप क्या कि जीरो में जो है ना, जीरो की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। बोल तो मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो मेरा ये जो लास्ट के मोबाइल के चार डिजिट है, 7, 8, 9 और 10, यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं चाहिए, यानी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं देना जीरो नंबर यहाँ पे जीरो। अब कहाँ के क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपको मान्य करना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पे जीरो है तो आप फोन पे बहुत कम बात करेंगे, आपके बातों से रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ पे अगर जीरो है तो चांसेस ऐसे है कि उस केस में, यहाँ पे तो भी जीरो का एक अदर लॉजिक है, वो मैं सारी की सारी चीज़ें यूट्यूब पे बता दूंगा तो नवनीत सर पेट कैसा भरेंगे। यहाँ पे जीरो चलता है लेकिन उसका कोई और एक लॉजिक है। 8 पे अगर जीरो है आपका तो आपकी इमोशन सामने वाला समझेगा ही नहीं, आप इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे। यहाँ पे जीरो है तो सामने वाले के इमोशंस आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, इनडायरेक्टली बिजनेस कन्वर्ट नहीं होगा। और यहाँ पे जीरो है तो जितने कॉल आएंगे उसका कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। आप देख लो 100 नंबर पे कभी कॉल करके देखना क्या होता है। 108 फायर ब्रिगेड का नंबर है, वो भी देख लो। तो गवर्नमेंट के जितने वो जीरो वाली सीरीज होती है ना, वो काम की नहीं होती है। तो जीरो आप ये बचे हुए 6 डिजिट जो होते हैं, जैसे अभी मेरे यहाँ पे आप अगर देखते हो, मैंने मेरा नंबर लिखा है 91580,
तो यहाँ पे जीरो चलता है, यहाँ पे चलता है, यहाँ पे चलता है, यहाँ पे चलता है, यहाँ पे, पर कभी भी ज़्यादा बार जीरो अगर हो रहा है तो आप आपके मोबाइल नंबर को बर्बाद कर रहे हो। कैसे? क्योंकि भैया आप सुपरमार्केट में गए, आपको क्या कि दुकानदार ने बोला 100 रुपये में जो खाना है खा ले, और आप बेवकूफ़ की वजह से आप क्या कर रहे हो, पानी पिए जा रहे हो 100 रुपये का, तो आप बेवकूफ़ हो। तो आपके पास 9 अलग अलग नंबर लेने का स्कोप है। 1 भी ले लो, 2 भी ले लो, 3 भी ले लो, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक कोई भी पहले 6 डिजिट में ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो। पर बहुत ज़्यादा बार ज़ीरो रहना, मैक्सिमम 3 बार ज़ीरो ठीक है, वो भी पहले 6 डिजिट में बोलो, लास्ट के 4 नहीं। अगर है तो आपका नंबर आपको मन चाहे रिजल्ट दे ही नहीं सकता, मैं ये गारंटी से बता सकता हूँ आपको। मैं रिसर्च पे बात कर रहा हूँ, मैं आपको टाइम पास की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन 7th प्लेस पे ज़ीरो है तो उस केस में वो रिजल्ट देता है। कैसे देता है वो मैं नहीं बता सकता, पर कुछ कुछ लोगों के नंबर ऐसे होते हैं, देखो 50,000, तो ये चारों ज़ीरो हो गए तो ये भी रिजल्ट देते हैं, पर इसका कोई अपना अलग लॉजिक है, वो कभी और वीडियो में बताऊंगा। या ऐसे लोग, मेरा एक बहुत कज़िन भाई है, काफ़ी बढ़िया वो कर रहा है, तो उसका ये नंबर है, ये भी बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको आपकी BN DN का कनेक्शन लगता है मोबाइल नंबर को, बोलते आपका BN और DN ये दोनों के कनेक्शन से आप इसको समझोगे, नहीं तो नहीं समझ सकते। 4 ज़ीरो है, कोई कोई व्यक्ति का ऐसे भी नंबर होता है 1,000, 2,000, ये इनका कुछ अलग महत्व है, लेकिन ये भी जो है ना तकलीफदायक है। तो जैसे अभी यहाँ पे निर्मला जी का नंबर 5590, मैम ये अच्छा नंबर नहीं है, मैं है अच्छा नहीं है मैं बता सकता हूँ। निमिषा जी, मैम अगेन 0, इट इज़ नॉट गुड, ठीक है, राइट। 7565 ये अच्छा है। तारू मानू 2409, मैम अच्छा नहीं है, ये इमोशनल ये बताता है, ठीक है। विनोद निकम जी, लास्ट में 0 अच्छा नहीं है, मैंने आपने तो शायद मेरे से कंसल्टेंसी भी ली है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ अभी है ना, जब भी आप मेरे से मोबाइल की कंसल्टेंसी लेके मोबाइल नंबर बदलते हो, एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लोग करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि मोबाइल, अच्छा आपको अच्छा लगा अभी तक वीडियो, लाइक कौन करेगा, भगवान आएंगे ऊपर से, जय श्री राम या हनुमान जी 23 तारीख को। चलो अभी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है मोबाइल नंबर में, मोबाइल नंबर में हमको आपका BN DN से नंबर मैच करना होता है। तो खुद के मन से नंबर मत लो, क्योंकि ज़िंदगी में जनरली आप जब भी एक नंबर लेते हो वो नंबर आपके साथ हमेशा के लिए चलता है, और वो नंबर बार बार बदलना अच्छी बात नहीं है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों में से जिनको भी मोबाइल नंबर जब भी जीवन में बदलना है, एडिशनल नंबर लेना है, इमीडिएटली आपका पुराना नंबर बंद मत करो। बहुत सारे कॉन्टैक्ट उसका बैकअप टेक्निकली नहीं समझ में आता है, फुल लोचे हो जाते हैं। तो कृपया करके पुराना नंबर सिर्फ इनकमिंग के लिए चालू रखने का, और जो आपने नया नंबर लिया है उससे मैक्सिमम आउटगोइंग व्हाट्सएप करो, लोगों को बताओ आपसे ये नंबर, और उस नंबर को आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा क्या कि आपको फ़ायदा होगा। मैंने बताया कि लास्ट का नंबर 5 सबसे इम्पॉर्टेंट है, लास्ट में 5, लेकिन हर व्यक्ति को लास्ट में 5 नहीं देना है बाबा, रिक्वायरमेंट समझ के देना है। एक मेरे क्लाइंट आए, सर मैंने आपका वीडियो देखा, 4 टाइम 5 ले लिया। अरे इतनी बार 5 की ज़रूरत नहीं है, उसके भी कुछ अपने रूल्स होते हैं, मुझे आपके BN DN देख के डिसाइड करना होता है। मैंने बोला लास्ट में 3 बहुत अच्छा होता है, बड़े लोगों से कांटेक्ट होगा, लेकिन अरे भाई उसके भी कोई रूल है, मुझे उस नंबर का कनेक्शन इसके साथ देखना होता है, इसका इसके साथ देखना होता है, फिर मोबाइल नंबर बनता है। मेरे से जो लोग न्यूमरोलॉजी क्लास लेते हैं मुझे पूछते हैं, सर मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्लास में है क्या? नहीं है बाबा, मुझे जितनी आती मैंने यूट्यूब पर बता दिया लोगों को। हाँ, बेसिक तो पेट पानी का सवाल है, उतनी नहीं बताऊंगा, इसमें क्या सबसे क्रिस्प जो है वो नहीं, लेकिन आज के बाद आपको किसी का फ़ोन आ रहा है, आपके पास मोबाइल नंबर सेव नहीं है, सुनो, आपके पास किसी का फ़ोन आ रहा है और आपके पास मोबाइल नंबर सेव नहीं है, अभी समझो मेरा ही फ़ोन आ रहा है आपको, बराबर है? तो से फॉर एग्जांपल मेरा नंबर ऐसे है 1391 है लास्ट में, आपने यहाँ पे ध्यान देने का, ट्रू कॉलर की भी जरूरत नहीं, 7 डिजिट तो कोई मेल का ही फ़ोन रहेगा, पक्के से देख लेना, 10 में से 9 फोन जो है मेल के ही रहेंगे, अगर ये नंबर है देख लेना, ये आपको जो भी फ़ोन आ रहे मैं गारंटी से बोल सकता हूँ।
ठीक है, सॉरी यहाँ का वन, यहाँ का वन, और वो व्यक्ति कौन है, वो कैसा है, वो आपको ये दोनों के इससे पता चल जाता है, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। कम बात करेगा, ज़्यादा करेगा, आपका कस्टमर एंड में 7 नंबर है, एंड में आपके कस्टमर बोलता, आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट 7 है, आपका हर कस्टमर आपसे भावताव करने वाला है, हर कस्टमर बार्गेनिंग करेगा, और उससे एक्सपेक्ट मत करो वो वापस आएगा, फिर उसके बाद वो बिजनेस देगा या नहीं देगा, मैं 100% बोलता। 8 नंबर लास्ट में, उसके भी अपने अपने अलग फ़ायदे है। 9 नंबर लास्ट में अलग फ़ायदे है, गर्म जोशी से बात करेंगे लोग आपसे। 6 नंबर लास्ट में फुल बार्गेनिंग, अगर आप रियल स्टेट ब्रोकर हो ले लो 6, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप कृपया करके जिन लोगों ने नंबर ले लिया है वो वापस मेरा दिमाग खाने के लिए फ़ोन मत करना, मैंने बहुत सोच के आपको नंबर दिया है, आप कोई टेंशन मत लो, सब भला होगा, ठीक है। फर्स्ट 6 डिजिट का कोई वैल्यू नहीं, आपने जो जो न्यूमरोलॉजी के वीडियो देखे उसके हिसाब से फर्स्ट डिजिट ले लो, फर्स्ट 6, लास्ट के 4 बदलेंगे आपकी किस्मत, और इसमें 0 यानी आप 0, खत्म, यही स्टेटमेंट है। समझ में आया, मजा आया आपको, कैसे लगा ये वीडियो बताओ, हेलो कैसे लगा ये वीडियो, मजा आया या नहीं, इसको 5 लाख के पार पहुंचा देना। वैसे अभी 210 लोग कॉन्करेंट व्यूअर है और 87 लोगों ने सिर्फ लाइक किया है, भगवान आपको सद्बुद्धि देवे, ठीक है। लोशो ग्रिड के वीडियो देखिए, बहुत अच्छे आने वाले हैं, आज का तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आज आएगा या नहीं पता नहीं, आज आएगा या कल, उस पर रहिए, कम्युनिटी से ज्वाइन हुई है अभी। आप सभी को पता है कि कुछ लोग हैं ना, मेरा ये वीडियो देख के मुझे बोलते हैं कि आपने कभी 3300 कंसल्टेंसी बताई, 4200, आज की डेट में कंसल्टेंसी का रेट है 10,500। इस 10,500 में नवनीत सर एक ब्रेसलेट देते हैं जो खुद उनके हाथों से चार्ज किया होता है, मोबाइल नंबर देते हैं आपको अच्छा वाला निकाल के, फिर आपको आपकी साइन बना के देते हैं, नाम बना के देते हैं, और सबसे मेन आपके जीवन में जितने भी प्रॉब्लम है उनकी रेमेडीज़। और मैं कुछ मेरे भाई लोगों के लिए ये बोल रहा हूँ फिर से कि मेरे से जो आपका कनेक्ट होता है वो जनरली हम 30 मिनट का कॉल रखते हैं, 30 मिनट्स, और उस 30 मिनट्स में जनरली पूरी कंसल्टेंसी हो जाती है किसी के भी, 2-5 मिनट इधर उधर, किसके दुख ज़्यादा है, जिसको कंधा ज़्यादा चाहिए सर का, तो वो सर उसको बांट लेंगे, लेकिन 30 मिनट में हो जाती है। और उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत आई तो आप मुझे कॉल नहीं कर सकते, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजो, मैं रिप्लाई देता ही हूँ। इसमें लोगो, अभी मुझे कुछ कुछ डिमांड आती है, सर इसमें लोगो भी इंक्लूड है क्या, इसमें विजिटिंग कार्ड भी इंक्लूड है क्या, इसमें मेरे गाड़ी का नंबर भी मिलेगा क्या, इसमें मेरे पत्नी का भी नंबर देख लो, इसमें मेरे बच्चों के साथ कैसा रहेगा, मैं बोलता हूँ मैं घर पे आके सब कर देता हूँ भैया। ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति की कंसल्टेंसी होती है, हम बिजनेस नेम बनाते हैं, न्यू बेबी का नाम। अरे आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है, आधे से ज़्यादा लोग, वो आप लोग तब मुझे कांटेक्ट करते हो जब आप संकट में आते हो, जब जीवन में प्रॉब्लम आती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम तो हर एक के जीवन में आने वाली है, मांदनी सर के भी आने वाली है, आपके भी आने वाली है। तो अगर हम हमारी लाइफ पहले से बेहतर बना के रखें, हम अपने नाम की स्पेलिंग सिंक्रनाइज कर ले, हम अपने बच्चों की स्पेलिंग ठीक कर ले, हम हमारे बच्चों, मैंने कितनी सिग्नेचर आपको देख के बताया था कि ये व्यक्ति जेल में जाएगा या नहीं जाएगा, कर्जे में डूबेगा या नहीं डूबेगा, तो इतनी सारी चीज़ें अगर मैं आपको बता सकता हूँ देख के, तो आपके जो बच्चे हैं जो अभी बड़े होने वाले हैं, जो कम भर्ती में 2000 वाली जनरेशन है, जो ऑलरेडी चंद्रमा के नेगेटिव इम्पैक्ट में है, इमोशनल अपडाउन है, अगर उनकी स्पेलिंग, उनका नाम, उनका सिग्नेचर अगर आपने समय पे अच्छा कर लिया, तो उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। और हम हमारी राह क्यों देखें, जीवन में प्रॉब्लम है बोल के, मैं बहुत बार बोलता हूँ, मैं जब मेरी कंसल्टेंसी जिन्होंने लिया, मैं बोलता हूँ क्या चैलेंजेस है जीवन में, तो 100 में से 10 लोग बोलते हैं सर कुछ नहीं, बहुत मस्त आपसे बात करना था बोल के कंसल्टेंसी ली, इन बाकी सब लोगों को कुछ ना कुछ है। चलो आज एक अच्छी टिप देता हूँ मैं आपको, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आपके जीवन में जितने भी लोगों के पास जो है, मैंने एक शेयर मार्केट पे एक वीडियो आने वाला है मेरा राहु पे, तो उसमें ही बता दूंगा, तो लेकिन फिर भी आज शुक्रवार का दिन है, तो आज आप क्या कर सकते हो, आज अभी शाम में हाथ पांव धोकर आप खाली, अगर जो लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है श्रीम, वो भी अगर 108 बार आप उसका चांट करो, और माँ लक्ष्मी को अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में बताओ या फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के बारे में प्रार्थना करो, तो आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। नमो भगवते वासुदेवाय। आपको ये वीडियो कैसे लगा बताएं, आपको कम्युनिटी में जुड़ना है तो फिर से मैं आपको उसका पिक्चर्स बता देता हूँ।
इसको आप क्लिक करके जुड़ सकते हो और आप इस वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, मेरे लिए गुरु दक्षिणा इतनी दे देना कि कृपया करके इस वीडियो को अपने स्टेटस पे रखना, अपने नॉन लोगों से शेयर करना जिसका आपको फ़ायदा होगा। शुभा जी आपका पहला ही नंबर 0 है तो उसको देखने के लिए मुझे उसके पहले का नंबर लगता है, उसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, हाँ आपको बोलूँ क्या, सबसे पहले तुम लोग अभी क्रिप्टो करेंसी देख रहे हो, मैंने 2013 में बिटकॉइन जो है ना उसका लोगो देख के बोला था ये जीवन में बहुत हाइप करेगा, और मैंने उस समय 100 बिटकॉइन लिए थे मैं और मेरे 3 दोस्तों ने मिलके। वो बात अलग है, उस समय वो 60,000 रुपये थी और हमने जब वो 9.5-9 लाख की हो गई तो एग्जिट हो गए, अभी 60 लाख में हो गया है। लेकिन बिटकॉइन का लोगो देख के मैंने बताया था ये है तो डावाडोल, लेकिन कब ऊपर पहुँचेगा इस साल क्या। आपने अगर 2024 का मेरा वीडियो मिस किया है तो आप ज़रूर जाके देखो, मैंने 2 चीज़ें बोली थी, क्रिप्टो बढ़ेगा, देख लो बिटकॉइन 10 लाख से 60 लाख पे, और दूसरा मैंने बोला था गोल्ड दौड़ेगा, गोल्ड था 58,000 और अभी 70 के पार गया है, अगर हो सके कुछ वर्ल्ड वार की सिचुएशन आ जाए तो गोल्ड 1 लाख को भी छू लेगा। मैं ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये मेरे अंदाज है, इसको पकड़ कर इन्वेस्टमेंट ना करें, आपके पूरे टेक्निकल एनालिसिस सारी चीज़ें देख कर करें, इतना इम्पैक्ट होता है न्यूमरोलॉजी का। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो लाइक करते हो शेयर करते हो उसके लिए, थैंक यू। चले, चलिए, बाय।